अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है तो इसमें अफगानिस्तान की जो टीम है इंडिया को तब टक्कर दे पाएगी या इजिली बीट कर पाएगी? क्या इजिली बीट हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि टक्कर दे ताकि हम भी रात के 11 बजे तक बैठ के मैच देखे। दिल टूट जाएगा वैसे में कि 4 बजे हम घर चले जाए, ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं। अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा बॉलर है कि जो टक टक कर दे? नवीन उल्लक और राशिद खान। राशिद खान तो हमारे ही देश का है। टीम तो अच्छी है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन अब जो भी टॉस जीतेगा पहले बैटिंग ही लेगा, तो ऑब्वियसली चॉइस है। सारी पिचेस फ्लैट बन रही है, 350 और टीम बना रही है, तो 4 सेंचुरी लग रही है एक मैच में। जैसे कि यहाँ की जो पिच है टर्निंग पिच नहीं है, काफी फ्लैट पिच है, तो अश्विन के जगह आज ऐसे कौन से प्लेयर को मौका देना चाहिए अगर बॉलर की बात करें तो? खेलना तो अश्विन ही चाहिए जी, बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा। आपको नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर शमी में से किसे मौका देना चाहिए किसी को? शार्दुल ठाकुर शमी में से दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे मिड ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे चेंज करेंगे एकदम से, जो प्लेयर की रिज़म है सारी बिगड़ जाती है। ऐसा कौन सा बॉलर है जो कि टप टक कर देगा आज इंडिया को, जो परेशान कर सकता? हाँ, जो आज परेशान कर सकता है, तो ऑब्वियस आंसर है राशिद खान है। राशिद खान, हार्दिक पांड्या का आज बर्थडे है, आज क्या बोलना चाहेंगे? हार्दिक पांड्या ने बोला कि मैं पहली बार राशिद खान को वनडे में फेस करूंगा मैं आज। जी, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको नेट में खेलते हैं वो वहाँ पे गुजरात में। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो शतक लगाने वाला है आपको, दिल से लगता है कि शतक लगाएगा? दिल से तो विराट कोहली है जी, और दूसरा तो कोई है नहीं दिल में, दिल में तो एक ही बंदा है सब, विराट कोहली। तो आपको लगता है कि विराट कोहली पिछले में रह गया, इस बार वहीं से शुरू करना चाहिए जहां छोड़ा था पिछले मैच में। ये पिच के हिसाब से हमें साधु ठाकुर को मौका देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अगर एक और बात पूछूं, जैसे कि मान लो गिल परफेक्ट बॉल नहीं है और हम आज के मैच में तो नहीं खेल रहे डेफिनेटली, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले तो कितना डिसएडवांटेज होगा हमारे लिए? देखो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया आराम से जीत जाएगा, तो पाकिस्तान की टीम को आप कुछ टीम नहीं समझ रहे? अहमदाबाद में मैच है वो इंडिया आराम से जीत जाएगा। हां ये बात है, अहमदाबाद में मैच है, बैटिंग पिच है और बैटिंग इंडिया की स्ट्रांग है, जहां पे स्विंग अगर शाहीन अफरीदी लेके भी आएगा अपनी तो इतनी कामयाब नहीं आएगी जैसे वो विदेशों में कामयाब आती है। विराट कोहली के लिए आया हूँ मैच देखने, से छुट्टी लेके मैच देखने आया हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर जो विराट कोहली? विराट कोहली। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो शतक लगाने वाला है? विराट कोहली। विराट कोहली। और आपका कौन सा ऐसा फेवरेट बॉलर है जो इंडिया की तरफ से आज धमाल मचा देगा? बॉलर तो कोई भी मिला सकता है, कि अफगानिस्तान की बैटिंग वैसे ही ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मेन तो विराट कोहली की बैटिंग देखने आया हूँ। अगर मैं अफगानिस्तान की तरफ से बात करूँ, जैसे कि आप कौन सा ऐसा बॉलर लगता है जो कि इंडिया को टप टक कर दे सकता है? राशिद खान ऑब्वियसली। राशिद खान, उसके अलावा कोई आपको नजर आता है? नहीं, राशिद खान के साथ विराट कोहली भी आउट हो सकता है, राशिद खान के थोड़ा स्ट्रगल करता है ना विराट कोहली। आज हार्दिक पांडे का जन्मदिन है। अच्छा, आप बोलना चाहेंगे हार्दिक पांडे के बारे में? बर्थडे गिफ्ट दे सकता है अपने आप को, खुद को अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे सकता है। देखो भैया, पिच तो है नहीं वैसी, स्पिन वाली होती तो कुछ होता था, फ्लैट पिच है उस हिसाब से हमारे इसमें कोई चांस लग नहीं रहा, बट डर गई है पहले से। उधर तो वही है, थोड़ा देखते हैं, फाइट है तो मजा आएगा, वन साइड तो मजा नहीं आएगा पिच पे। सपाट पिच है, तो अगर मान लो पहले बैटिंग करती है तो आपको कितना लगता है इंडिया? हाँ, पहले बैटिंग अगर इंडिया करती है 350 बैलेंस ही हुई है यार, 350 की टिकट ली हमने। साउथ अफ्रीका ने उस दिन 450 प्लस बनाया, हम तो 350 कह रहे, कम से कम तो कह रहे 500 बना, कौन रोक रहा? मतलब आपको अपने बॉलिंग पे मतलब ट्रस्ट है कि मतलब पूरा ट्रस्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे सपाट पिच है तो आज अश्विन के जगह शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए? शार्दुल भैया शमी के लाल उससे बढ़िया, शार्दुल थोड़ा शमी को मौका देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? शमी को मौका देना चाहिए। अच्छा, शमी को मौका मिलना चाहिए आज अश्विन की जगह। और अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा बॉलर है जो कि टप टक्कर देगा आज? राशिद खान। राशिद खान के अलावा और कौन? नबी। आज हार्दिक पांडे का बर्थडे है, तो आज पहली बार हार्दिक पांडे ने बोला कि मैं राशिद खान को आज फेस करूंगा, उसके बारे में क्या कहना है? उनकी बैटिंग नहीं आएगी मेरे ख्याल से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हार्दिक पांडे की बैटिंग ही नहीं आएगी, उसके पहले बैटिंग अच्छी रहेगी। अच्छा, और अगर गिल फिट हो गया गलती से भी तो फिर तो खत्म। जैसे फिर भी आप देख सकते हैं जैसे कि गिल उसमें नहीं खेले थे और ईशान किशन ओपनिंग करने आए थे, हमारी पहली जो ओपनिंग, लेकिन उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था खेलने का उस दिन का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था शुरू में आने के बाद कि जल्दी से जल्दी बना के नेट रन रेट की बढ़ोतरी की जाए, तो उस चक्कर में वो आउट हो गए। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब तक उनको समझ में आया कि हाँ हम 3 आउट हो चुके हैं, अब हमें थोड़ा संभाल के खेलना है क्योंकि पिच वैसी नहीं है जैसी वो समझ के आ रहे हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आपको ऐसा कौन सा लगता है कि आज प्लेयर जो शतक लगाने वाला है? आज मुझे, मैं चाहता हूँ दिल से रोहित शर्मा शतक लगाए, शतक नहीं दोहरा शतक लगाए, क्योंकि अगर वो सुंदर शॉट मारता है ना तो देखने में मजा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के मतलब दीवाने हैं, मतलब हाँ ऐसा नहीं कहता। दो फेवरेट है हमारे, दो विराट कोहली जैसे की आप देख रहे थे की यहाँ पे कुछ रोहित शर्मा के, कुछ विराट कोहली के बहुत सारे ऐसे फैन है जो की मिल रहे हैं और उनके दीवाने हैं, कहना है की रोहित शर्मा जो है डबल शतक लगाएंगे, विराट कोहली शतक लगाएंगे। अब देखते हैं की मैच के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है।